नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ये व्यू देख रहे हो नैनीताल की सर्दी। दिल्ली में होने लग गए तो बात ही क्या हो। ये भी आए कर रहे हैं यार, दुकान में कपड़े लेने जरूर आना गाइस। आए तो यहाँ पे एक बार ट्राई जरूर करना। ये देखो बंद कर दे। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है, हम लोग रेडी हो चुके हैं और देखो सारे रेडी हो गए हैं। ये भाई भी रेडी हो गया और ये भाई टाइम लगा रहा है बहुत ज़्यादा, एक घंटा हो गया इसको। अभी यहाँ पे इसने खाना गर्म करवाया है और अभी चाय वाय पियेंगे और हम चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं बाहर से नैनीताल की ठंड। भाई बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन यार नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है यार। ये व्यू देख रहे हो नैनीताल की सर्दी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरी मार्केट है या मॉल रोड है, रात को हमने आपको दिखाया था, हम मॉल रोड पे रुके थे। देखो लेक व्यू कितना प्यारा लग रहा है एकदम झकास। ये देखो ये भैया हैं, इन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की है, बहुत मदद, हर चीज़ का इन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। यहाँ पे हम रुके थे, हमारा होटल था, काफ़ी अच्छा था, नानक व्यू करके ऐसे कुछ है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, हम रेडी होके चाय वाय पी के फिर नीचे हम चलते हैं मार्केट में, फिर आपको दिखाते हैं ढंग से बढ़िया। गाइस हम आ गए मार्केट में, ये देखो मार्केट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको ATM भी मिल जाएगा। हाँ यहाँ सब सब मिल जाएगा ATM में, अगर आपका ATM में पैसे हो तो ही मिलेगा सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ठेके वेके सब कुछ है यहाँ पे, मतलब जो पीने के शौकीन है हमारे मित्र। प्यारी भाई धूप निकल रही थी, लगा रहा यार इतनी प्यारी धूप निकल रही थी और अब अचानक से, मतलब पहले बारिश हो रही थी फिर धूप निकलने की बढ़िया एकदम बातचीत वाली, और अब दोबारा ठंडा मौसम हो गया। और ये हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग लगाई थी, आपको रात को दिखाया था। अब हम वापस अपना सामान वामान रख के यहाँ पर अब जा रहे हैं मार्केट घूमने। हम रात से मार्केट घूमे नहीं है, हम आ तो चुके थे रात को, लेकिन अब तक एक बार भी मार्केट नहीं घूमे। ये देखो ये हैरी पॉटर में वो होता है ना, जहाँ पे वो गेम खेलते हैं, वो उस पर झाड़ू पे उड़ के क्या कहते हो सर, सॉरी मैं भूल गया, जो भी है। तो ये क्या मार्केट ख़त्म, मार्केट खुली नहीं, ये कहाँ रह गए? अच्छा ये डॉगी को खाना डाल रहे हैं, वो खाना बच गया था ना हमारे पास, तो हमने सोचा यार डाल देते हैं भाई, किसी का पेट भर जाएगा, वेस्ट होने से बढ़िया ही है। ऐसा नहीं है कि हम लेके डाल सकते भाई, अलग से भी लेके डाल सकते हैं, पर है तो ठीक है। चलो भाई, ये है जिप्सी कैफ़े और ये भैया बना रहे हैं, और ये भैया ओनर है शॉप के, और यहाँ मोमोज ट्राई कर रहे हैं। हमने पहले भी खाए थे, काफ़ी अच्छे थे,
और भैया बता रहे नूडल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ट्राई करके देखो एक बार, हम ट्राई करते हैं देखते रहते हैं। और ये देखो ये भैया का मेन्यू है, कभी भी अगर आप नैनीताल आए तो यहाँ पर मंदिर के सामने ये मार्केट है, मार्केट में भैया के कैफ़े है जिप्सी कैफ़े, कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर एक बार ट्राई ज़रूर करना। सर हमारे से सस्ता पूरे नैनीताल में 30 रुपये में हाफ नूडल्स, 30 रुपये में हाफ नूडल्स कोई नहीं दे सकता, और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं जो क्वान्टिटी हम दे रहे हैं कोई नहीं दे सकता, गारंटेड है। भैया तो देखने से लग ही रही है, पता लग रहा है देखो बनाने में कितना वो लग रहा है। आप आए पहले यहाँ पे? हाँ पहले आए थे, हम जब हमने मोमोज खाए थे, हम मोमोज अच्छे देखेंगे, अच्छे थे। हाँ भाई जब कस्टमर बताने हैं काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि भाई आया मेरा, मैं नहीं आया, तो एक बार हम भी ट्राई करते हैं कैसे। ये देखो ये इनके मैरिनेटेड मोमोज, और इससे पहले हमने वेज मोमोज खाए हैं, ये सूप है और चाउमीन खाइए, काफ़ी मतलब अच्छा खाना है इनका जिप्सी कैफे, आना ट्राई जरूर करना, ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं भाई, बहुत स्वाद था, बहुत टेस्टी था और रेट भी रीजनेबल था, मात्र 290 रुपये लगे इसमें। हमने दो बार चाउमीन खाई, खाया हाफ हाफ, और दो एक प्लेट मोमोज खाए स्टीम हाफ खाए हमने, कॉकटेल मोमोज, एक चाय, एक सूप, और क्या लोगे भाई। और ये नहीं है कि मतलब बेकार था, टेस्टी था काफ़ी। पैसे चलो ठीक है, रेट तो रीजनेबल था वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा भी होता तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर टेस्टी था, टेस्ट था। इधर वाइज व्यू एकदम प्यारा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये बोटिंग हो रही है, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, और ठंड बहुत हो रही है, एकदम सिकुड़ने वाली ठंड हो रही है भाई, मैं तो पूरा सिकुड़ चुका हूँ, हवा चल रही है हाई लेवल की हवा, देखो जाट आपको इसमें लगा क्या? नहीं भाई वोटिंग नहीं करनी हमने, देखो ये देखो बुड्ढी जम गई, इसी पेड़ में छुड़ैल बैठती है रात को। जय श्री राम, चलो आपको पूरा विजिट कराते हैं, बढ़िया लेक व्यू है सारा, देखो ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, हवाएं चल रही है बढ़िया बातचीत वाली, और ये देखो सारी बोट्स हैं, यहाँ से बोटिंग कर सकते हो। हर जगह वादियाँ ही वादियाँ, लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, तो मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा कि पानी को ज़्यादा साफ ही रखें और गंद न फैलाएं भाई, प्लीज़ कृपया हमारी वो है, आपसे निवेदन है, जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि यार ये नेचर ब्यूटी है, हमें इसको साफ ही रखना चाहिए, गंदा करेंगे तो यार फिर वही बात है, फिर घूमने का फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये देख बोट बन रही है, ये नई बोट बनाई जा रही है, आप मेरे साथ आ जाओ। कैची तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से, हम यहाँ नैनीताल करते हैं, बाय 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 बाय, कैची धाम है यहाँ से 20 किलोमीटर, तो हम कितने देर पहुँचेंगे अक्षय? वही लगा लो एक घंटा या दो घंटे बहुत जाएंगे। और भाई नैनीताल में बहुत मज़ा आया हमें, हम आज भी रुकते, आज स्नोफॉल होगी रात को, लेकिन हमें घर जल्दी पहुँचना है, तो अब हम कैची धाम में अपने दर्शन करके और फिर हम वहाँ पर घर के लिए निकलेंगे, आज रात को यहाँ पे स्नोफॉल होगी, तो भाई किस्मत है, मतलब मजबूरी है हमारी, बदकिस्मती कह लो या जो भी कह लो भाई, घर तो जाना ज़रूरी है। चलो फिर चलते हैं, कैची धाम मिलते हैं आपसे रास्ते में। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. मीटर मेरी मछली और
700 मीटर रह गया है नीम करौली, एक मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे अभी भी कहीं दिख नहीं रहा है। देखो भाई यहाँ से शायद नीचे जाके, नीचे से है, नीचे से ही है, यहाँ से शायद कहीं नीचे जी। देखो रास्ता जा रहा है, देखते हैं भाई। नीम करौली अभी भी मुझे भाई कहीं नहीं दिख रहा, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं सर, और 600 मीटर यहाँ से। चलो देखते हैं आगे। गाइस ये है आश्रम की मार्केट, कैची धाम आश्रम की हम पहुँच चुके हैं। देखो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। चलो थोड़ा और चल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और चल लेंगे, थक जाएंगे तो फिर और चल लेंगे। इस आश्रम की बहुत मान्यता है, ये है कैची धाम आश्रम। चलो भाई हम चलते हैं यहाँ से अंदर। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ये रास्ता यहाँ का, और यहाँ पर लिखा है प्लीज़ डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन द डस्टबिन, प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द रिवर। मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और ये यहाँ नहीं हर उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सब में लिखना, सब में लिखाना चाहिए और हमें फॉलो भी करना चाहिए। ये ना बढ़िया लग रहा है, ये नदी, ये हमारे कैची धाम आश्रम। जूते कहाँ उतार रहे हैं यार? जूते तो वहीं उतार रहे होंगे अंदर ही, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। परम पूज्य बाबा श्री नीब करौली महाराज। गाइस काफ़ी पीसफुल जगह है, अंदर आश्रम भी है और राधा कृष्ण वैष्णो देवी और मंदिर भी है हनुमान जी का, और मतलब यहाँ पर आने में काफ़ी शांति मिली मन को। तो सही में मतलब जैसे मैंने सुना है यहाँ काफ़ी मन शांत होता है, ऐसा हुआ, ऐसा लगा, फील हुआ ऐसा। तो गाइज यहीं पे करते हैं हम अपना ब्लॉग एंड, और जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगे कमेंट में ज़रूर बताना, ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, है ना। अब हम जा रहे हैं घर, यहाँ पर हम करते हैं टाटा बाय बाय नमस्ते।